मैं BS अभी लास्ट सेमेस्टर है मेरा साइकोलॉजी में हरिपुर यूनिवर्सिटी। कैलीग्राफी करते हुए तो 10 to 12 मंथ्स हुए हैं, लेकिन 8th क्लास से मुझे बहुत शौक था तो तब से मैं पेंटिंग करती हूँ। फाइन आर्ट्स में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का मसला था, एक्चुअल में मैं हरिपुर से हूँ, वहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी तो बस फिर इस वजह से रह गया। मुझे एक्चुअल में वहाँ पे KTS में मेरे पास टीचर्स हैं सर रजाक और सर वकार, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे MCA आने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे घर बैठे मुझे इतना काम सीखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आज भी मैं मदर के साथ आई हूँ तो कुछ नहीं, किसी ने मना नहीं किया मुझे, बस जाएँ आप करें अपना काम। दोनों को लेके कंटिन्यू करूँगी क्योंकि साइकोलॉजी में आर्ट थेरेपी है और आर्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हर पर्सन के लिए, तो मैं इसको आगे लेके जाऊँगी, लोगों को अवेयरनेस दूँगी कि आर्ट की तरफ आएँ जो हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेंसिल स्केचिंग होती है स्टार्टिंग में, पेंसिल स्केचिंग देन वो हम इसको नीड करते हैं। ये बेसिकली गोल्ड कलर से पोस्टर कलर से बना हुआ है, कॉपी काम इस लेवल पर आ ही नहीं सकता। इसके आर्ट को जो आगे बढ़ता हुआ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है और इन सब लोगों की जो काविश है मुझे बहुत अच्छी लगी है क्योंकि मेरी बेटी को यहाँ प्रमोट करने में इस सितारे का बहुत ज़्यादा हाथ है। पापा इसके टीचर हैं लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसके लिए इसकी खुशी के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं ना, क्योंकि इसका शुरू से शौक था और हमारा जो एरिया है वहाँ पर इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं थी और कोई इदारा नहीं था जिसकी वजह से आ गया पाती, और हम जो जिस इलाके से बिलोंग करते हैं वहाँ पे इतनी वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि इसको हमें ये काम करवा सकते। माशाल्लाह से वो इसके पापा भी बहुत खुश होते हैं, वो खुद इसका काम देखते हैं, खुद उसमें से इसकी गलतियाँ निकालते हैं, बकायदा इसको गाइड करते हैं।